हाथ जोड़ के माफी मांगदा कि मैंने आप सब को इस वक्त बुलाया है। रब झूठ ना बुलाए, जो भी प्रीता परजाई जी के नाल हुआ है उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं सच्ची में बदल चुका, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात पर यकीन ही नहीं करते। खैर, उन्हां दी कोई भी गलती नहीं। शेर अगर बोले कि मैंने घास खाना शुरू कर दिया है तो कौन यकीन करेगा। मैं दिन रात यही सोचता रहना कि मैं पिंड वालों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अच्छा इंसान बन गया। फिर रतन चाची जी ने मुझसे बोला कि अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो बोल के नहीं करके दिखाऊं। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। इंसान जब भी गलती करता है तो उसने समझ नहीं आता जब तक वो अपनी आंखों से अंजाम ना देख ले। वो मैंने देखा है, मैंने प्रीता परजाई जी को मौत और जिंदगी के बीच जो लचते देखा है, उनके बच्चों को रोते ते बिसाकते देखा है। पैसे कमाने की चाह में मैंने बस बद्दुआएं कमाई। मैंने एहसास है कि मैंने पिंड वालों को कितना दर्द पहुंचाया, कितनी तकलीफ दी है, लेकिन मैं दिल से पिंड वाले दी मदद करना चाहता। रतन चाची जी ने मुझसे कहा कि अगर मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ तो मैजिस्ट्रेट के फैसले का क्यों इंतजार करूं? पिंड वालों की जमीन उनको वापस कर, ताकि वो मंडी में जाके फसल आप बेचे। मैं सोचा कि आते गल जेड़ी है उन्होंने सही की है, लेकिन पिंड वालों को उनकी जमीन वापस करके कौन सा वड्डा तीर मारता है मैं। गल तो वो बढ़िया होगी जब मैं जमीन के नाल नाल उन्हां दा कर्जा भी वापस कर दूं। इसलिए मैं आप सबको इधर बुलाया है, आप सबका हक वापस करने का। अब से इस पिंड के किसी भी किसान का कोई भी कर्जा नहीं है। कोई तो चाल जरूर है इसकी। वैसे तो है कागजात मैं सरपंच को देना चाहता था, लेकिन रतन चाची जी ने मैनु एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत सीगा। ये है कागजात मैं रतन चाची जी नु देना चाहता। मैंने तुझ पे कभी यकीन नहीं था दिलावर, सच कहूँ तो मैंने पता था तू कभी नहीं बदलेगा, पर मैंने खुशी है तूने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं सारे कागजात सही है, आज से पिंड का हर किसान कर्जे से आजाद है। ये क्या कर दिया इस बेवकूफ ने? तुझ पे शक किया इसलिए मैंने माफ कर दी। ओ नहीं 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 चाची जी, आप मेरे तो बड़े हो, माफी मांगोगे तो मैनू पाप चढ़ेगा। अगर आप मेरे पे शक नहीं कर देना तो मैं इतना अच्छा काम नहीं करता। तो वैसे भी तुसी वीरा ते रणवीर दे बीजी नहीं, पूरे पिंड के बीजी। जी भाई, आज से हमारे पिंड के सारे किसान आजाद हो गए हैं, और ऐसा हमेशा बना रहे इसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मैं दिलावर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसने साबित कर दिया कि हमें लोगों को मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए।
दिलावर, इस पिंड को तुझ पर गर्व है। किसे फोन लगा रही है? अरे वो वीर जी को फोन कर रही हूँ, पर फोन एक ही लग ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ पर है, उनसे बात करनी है। तो कोई मैसेज छोड़ देना, जब सिग्नल आएगा तो मिल जाएगा उसे। प्रतिभाज मैं इन्नी 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 ज़्यादा खुश हूँ, समझ ही नहीं आ रहा किसे बताऊँ किसे ना बताऊँ। ऐसा लग रहा है जाकर ढिंढोरा पीटूं सच्ची। वीरा जो भी कहे, सच तो यही है कि सब कुछ जो हुआ है तेरी बीजी की वजह से हुआ है। देखा नहीं दिलावर कैसे उनके कदमों पर गिरा हुआ था? दिलावर को समझना भी बड़ा मुश्किल था। कोई एक गुनाह करता और आप उसको झट से शक की नजरों से देखने लगते। नहीं करना चाहिए, कोई इंसान बदल भी तो सकता है। अच्छा सुन, वो कल के लिए कपड़े भी तो चुनने, बता मैं क्या पहनूं, आज मेरी मदद कर। नहीं 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 नहीं, तू मुझे बिल्कुल नहीं बताएगी तू कल क्या पहन रही है। बल्कि मैंने सोचा है कि आज रात तू अपनी बीजी के यहाँ रुकेगी। अरे पर वो क्यों? मैं तुझसे अब कल मिलूंगा सीते, जल से मैं पुराने दिनों की तरह एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पेंगे हम। हर गुजरते घंटे के साथ ये सोच रहे होंगे कि अगला क्या कर रहा होगा। जब एक दूसरे से मिलने वाले होंगे घंटों लगाएंगे तैयार होने के लिए, बढ़िया दिखते हुए पहुंचेंगे जलसे में, एक दूसरे को ढूंढते हुए बेचैन हो रहे होंगे एक दूसरे को देखने के लिए। फिर तू मैनू दिखाई देगी, मैं तेरी ओर बढ़ूंगा, दिल की धड़कन तेज हो रही होगी। हाय कितना मजा आएगा। पता है मैनू क्या लगता है कि एक मच्छर ने पहले शायर को काटा और फिर तेन, तभी तो ये शायराना अंदाज तेरे अंदर आ गया है ना। बेचैनी और बेकरारी का मजा ही अलग होता है वीरा। अच्छा जी, अगर ये बेचैनी और बेकरारी तू बर्दाश्त नहीं कर पाया तो दीदार का इंतजार सब कुछ बर्दाश्त करा देता है। और ज्यादा ही सुंदर लगी ना, तो ये दिल कहीं बाहर ना आ जाए, संभाल के रखना। मैं भी कोई कम नहीं दिखने वाला हूँ, अब लोग मैंने देख के रांझा को भूल जाएंगे, तू देख ले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।